Nice! हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल। यार जैसा कि आप लोगों को पता था कि आज हमारी गेम की आनी थी अपडेट, तो सुबह जब अपडेट आई है तो उसके बाद में जो बैज एंटर मोड स्टार्ट हुआ ना वो हमने कर लिया ज्वाइन, और हमने सोचा कि चलो भाई जो अपडेट आई है ना वो भी चेक करेंगे कि अपडेट में क्या फिक्सिंग वगैरह हुई है। तो उसमें एक तो मैका का था, यानी कि जब एम लेते थे मैका का तो उसमें कुछ ग्लिच वगैरह थे, यानी कि या डैमेज नहीं रिसीव होता था या फिर जो है वो एम सीधा बैठता ही नहीं था, तो उसका जो है वो फिक्स हुआ है। और दूसरी बात यह कि भाई हमारे टाइटेनियम के जो डोर है ना उनको दूर से देखने पे पहली बात तो ये वो नज़र आते ही नहीं थे, और जब करीब जाके उनको देखो तो वो ब्लर ब्लर नज़र आते थे, और जब और करीब जाओ तो फिर पता चलता था कि भाई टाइटेनियम का डोर है। तो दो ग्लिच ये वाले फिक्स हुए हैं, और उसके बाद जो है वो सिंगल बैरल शॉटगन जो है वो उसके एम में जो है वो मसला था, यानी कि अगर उसकी स्किन लगी हुई होती थी तो भाई उसका एम नज़र ही नहीं आता था सामने कि भाई किस बंदे को मार रहे हैं, कहाँ पर मार रहे हैं। तो वो वाला भी फिक्स हो गया है, कहने में तो यही आया, लेकिन अब खेलेंगे तो पता चलेगा कि भाई वो फिक्स हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके बाद जो है वो एक ग्लिच और था, और वो ये था कि भाई जब हम हमारे फर्नेस प्लेस करते हैं तो हमारे फर्नेस ना हर वक्त चलते ही रहते थे, तो ये मैंने भी नोट किया हुआ था कि भाई हर वक्त फर्नेस चलते रहते हैं, वो स्मेल्टिंग कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन यही नज़र आता था कि भाई चल रहे हैं फर्नेस, और कई दफ़ा तो आवाज़ भी आती रहती थी उनकी। तो ये वाले ग्लिच जो है वो फिक्स हो गए हैं, और अभी जो अब हमारे फर्नेस वगैरह प्लेस करेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई ग्लिच फिक्स हुए हैं या नहीं हुए। तो चलो आज का हमारा जो एपिसोड है वो स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों को बताता हूँ कि भाई हमने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ गए। मैं स्पॉन हुआ था क्रूडल के पास में, तो वहाँ पर मैंने अपना स्टार्टर बेस लगा लिया मास्क उठाने के लिए और ऑयल फार्म करने के लिए, और ऑयल फार्म करके मैंने वहाँ पर रख भी दिया एक दफ़ा। और उसके बाद भाई मैंने निकाली अपनी बाइसिकल और मैं निकल गया ट्रायल आइलैंड के लिए, क्योंकि लास्ट सर्वर में जो बंदा ट्रायल आइलैंड लूट रहा था तो वही बंदे के किल मैसेज आ रहे थे दोबारा से, और जैसे उसका बैटल पे मैसेज आया ना मुझे पता चल गया कि भाई ये बंदा जैसे ही सर्वर में आता है ये ट्रायल आइलैंड लूटने जाता है। देखो अभी भी चैट पे उसका मैसेज हो रहा है, आई एम डिमोन नाम का बंदा है। तो मैंने साइनो से कहा कि भाई साइनो तुम वहाँ पर पहुँच जाओ, उनको वॉर्ड बेस मत लूटने देना, और मैं जो है वो साइकिल पे आता हूँ क्रूड ऑयल से, क्योंकि मेरे पास शॉटगन वगैरह थी क्योंकि मैंने मिशन वहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे, अब अगर मैं सेल्फ करके वहाँ पर जाता तो मेरी शॉटगन गिर जानी थी। देन इसलिए मैंने साइनो से कहा कि भाई तुम वहाँ पर जाकर कैंप करो, उनको वॉर्ड बेस मत लूटने देना, और मैं तब तक पहुँच जाता हूँ वहाँ पर। तो साइनो जब गया है वहाँ पर तो साइनो ने देखा कि भाई उन लोगों ने पहले बॉक्स तक लूट ली थी, यानी कि 125 स्टील मिल गया साइनो को, और बाकी जो स्टील था ना वो अभी हमने लूटना था। और मैंने साइनो से कहा कि भाई तुम वहाँ पर बैठ जाओ, लूटने मत जाना, क्योंकि उनके वहाँ पर दो दो स्लीपिंग बैग लगे हुए थे और वो दो बंदे थे इस बार। तो मैंने कहा भाई हो सकता है कि किसी तरीके से कैंप करके वो तुम्हें मार दें, तो इससे अच्छा है कि तुम उनके स्लीपिंग बैग के पास में ही खड़े रहो, तो तब तक मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ और फिर मैं उनके स्लीपिंग बैग के पास खड़ा हो जाऊँगा या तुम खड़े हो जाना, और एक बंदा जाके बॉर्ड बेस लूट लेगा। उसके बाद हमने जाना है मिलिट्री बेस में, तो इसलिए जो है वो मैं यहाँ पर अबैंडन फैक्ट्री पर आया कि भाई यहाँ से ना हमें मास्क मिल जाए जाके। लेवल 2 का मास्क मुझे तो मिल गया था, मैंने वो पहन रखा था, और अभी जो है ना हमें साइनो के लिए भी चाहिए, क्योंकि भाई दो बंदों को जाकर एवेंजर किल करना पड़ेगा, और एवेंजर किल करने के बाद हम जाएंगे भाई ईजी को किल करने के लिए, क्योंकि एवेंजर के लिए अगर एक SMG भी होना तो वो काफ़ी होती है। हम बॉट बेस लूटेंगे, हमें वहाँ से SMG मिल जाएगी, तो वही SMG लेंगे हम और GP का MO वगैरह बनाकर निकल जाएंगे हम भाई एवेंजर को किल करने के लिए। तो एवेंजर किल करेंगे ना तो यार उम्मीद है कि हमें एवेंजर में से जो है ना वो डुअल उजी वगैरह या फिर फार्मस वगैरह मिल जाएगी, तो फिर जो है ना ईजी किल करना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम ईजी किल करने जाते हैं तो यार वहाँ पर 2-3 बंदे आ ही जाते हैं, तो उनसे फाइट करने के लिए अगर एक बंदे के पास गन होगी ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है ना भाई कुछ बंदों ने जो है वो ब्लू रूम लूट लिए हैं, क्योंकि मैंने एक दो जो है किल मैसेज देखे हैं डुअल उजी के और फार्मस के, और बंदे जो है ना कुछ फार्मस और डुअल उजी लेके घूम रहे हैं सर्वर में। तो अभी जो है वो हमें थोड़ी जल्दी भी है कि भाई हम जल्दी से जो है वो उसको एवेंजर को किल करें और पहुँच जाएँ ईजी पर, क्योंकि भाई अगर उनको डुअल उजी या फार्मस मिल गई है तो वो मस्ट ट्राई करेंगे ईजी को किल करने की। तो उसके बाद भाई हम पहुंच गए बॉट बेस पे, और बॉट बेस पे वही जो लास्ट सर्वर में बंदा था वही बंदा लूट रहा था यहाँ पर बॉट बेस, और उसको साइनो ने किल कर दिया। अब भाई उनके यहाँ पर लगे हुए थे बैग, तो हमें यहाँ पर रुकना है और उनके बैग पर यहाँ पर रुककर उनको किल करना है, और साइनो जाएगा और जाकर जो है ना बॉट बेस लूटेगा। तो अभी जो है हम यहाँ पर रुकेंगे और साइनो जाएगा और जाकर जल्दी से बॉट बेस लूट के लाएगा,
और फिर जो है वो हम चलेंगे भाई एवेंजर किल करने के लिए। तो भाई साइनों ने बॉट बस लूट लिया है, और अभी जो है वो हम चलते हैं भाई एमओ बना कर लाते हैं पहले, क्योंकि भाई हमें ना एमओ चाहिए होगा एवेंजर को किल करने के लिए, क्योंकि अगर हम मैशेटी से या फिर शॉटगन से किल करेंगे ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उससे अच्छा है कि भाई हम ना SMG का एमओ बना कर ले आएँ, क्योंकि हमें यहाँ से GP और बाकी मटेरियल वगैरह मिल गया है। और जो मैंने क्रूड ऑयल पे अपना बेस लगाया था ना, उसमें मैंने आयरन डाल दिया था कुक होने के लिए, तो आयरन मुझे वहाँ से मिल जाएगा और GP यहाँ से मिल गया है, तो हम आराम से एमओ बना सकते हैं। तो भाई लूट सारी मैं उठाता हूँ यहाँ से साइनो से लेता हूँ, और हम चलते हैं भाई अपने बेस पर और वहाँ से एमओ बना कर लाते हैं। तब तक जो है वो साइनो चलेगा मिलिट्री बेस में, क्योंकि हमें एक और मास्क भी चाहिए था, तो इसलिए मुझे बेस पर जाना पड़ा और वहाँ से मैं मास्क लेकर आया हूँ साइनो के लिए। और अभी जो है वो मैं ग्लिच करूँगा एवेंजर को अपने पे, और साइनो और एनजेड ब्रो किल करेंगे, क्योंकि साइनो के पास है शॉटगन और एनजेड ब्रो को मैंने दे दी SMG जो कि हमें बॉर्ड बेस में से मिली थी। तो अभी जो है वो आराम से ये दोनों बंदे इसको किल कर पाएंगे। तो भाई जल्दी से हमने ग्लिच कर लिया इसको, और ये दोनों बंदे इसको किल करना स्टार्ट करेंगे। भाई जल्दी जल्दी से इसको किल कर लें, क्योंकि कई दफ़ा ना ऐसे ग्लिच हो जाता है ये कि भाई अगर तुम ना इसके गिर्द गिर्द घूमते रहो भागते रहो ना, तब भी ये डैमेज देता रहता है। तो अगर ये इसने मुझे डैमेज देना स्टार्ट कर दिया ना, तो भाई काफ़ी गंदा होगा, और मुझे नहीं पता कि मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, क्योंकि अभी जो है वो सिर्फ बोन आर्मर है, और मुझे तो लगता है कि भाई इसकी 2-3 बुलेट्स ही लगेंगी और मैं किल हो जाऊँगा। अरे भाई एक पड़ गई है, और इन लोगों से मैं कहता हूँ भाई जल्दी जल्दी किल करो, क्योंकि इसने मुझे डैमेज देना स्टार्ट कर दिया है। अगर 2 बुलेट्स और मुझे पड़ी ना, तो भाई मैं जाता रहूँगा। आई थिंक किल होने वाला है एवेंजर। हाँ किल हो गया है, तो चलो भाई लूट चेक करते हैं एवेंजर की। अरे भाई एक भी गन नहीं मिली, पर्पल कार्ड मिला और एक्सप्लोजिव मिल गया। भाई एक्सप्लोजिव तो हम ट्रेड जोन से भी बाय कर सकते थे, लेकिन यहाँ से अगर हमें डुअल उजी या फिर फार्मर्स वगैरह मिल जाती तो अच्छा हो जाता। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि चलो भाई चेक करते हैं, अगर पर्पल रूम में एमओ जस्ट हमें मिल गया तो हम पर्पल रूम ओपन करेंगे, क्योंकि हमें फार्मर्स या डुअल उजी चाहिए होगी। लेकिन भाई पर्पल रूम में अभी तक लूट स्पॉन नहीं हुई, सर्वर बनने के तकरीबन 2 घंटे बाद जाके पर्पल रूम में लूट स्पॉन होती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने चेक किया था लूट स्पॉन नहीं हुई थी। उसके बाद पहुंच गए भाई हम हमारे बेस पे, और मैंने चेक किया कि ट्रेड जोन में अभी तक एक्सप्लोजिव लगा हुआ है। तो भाई अभी जो है ना हमें एक्सप्लोजिव बाय करना पड़ेगा, ताकि कोई और बंदा ना बाय कर सके, वरना बंदे भाई मैका बना कर ना D2 पे ही घूमना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम जो है वो यहाँ से एक्सप्लोजिव बाय कर लेंगे, तो किसी और बंदे को एक्सप्लोजिव मिलने का चांस नहीं होगा, तो तब ना हमारे थोड़े विनिंग के चांस भी बढ़ जाएंगे। तो अभी जो है वो हम चलते हैं भाई, कार्ड्स वगैरह उठाते हैं, हम रूम भी ओपन करेंगे, और हम जो है वो एक्सप्लोजिव भी बाई कर लेंगे वहाँ से। तो भाई ये बंदे यहाँ पर रोड पे फाइट कर रहे थे खुले में, मैंने कहा भाई ये देखो खुले में फ़ाइट करना थोड़ा बुरा है, तो तुम लोग कहीं पे छुप के फाइट कर सकते थे। डैनिस को किल किया मैंने, और इन लोगों ने जो थोड़ा बहुत रोड फार्म कर रखा था वो इनकी लूट गिर गई, और इस बंदे का आर्मर और थोड़ी सी हीलिंग भी गिर गई। तो चलो भाई ये उठाते हैं, और अब हम यहाँ से निकलते हैं। भाई हमें जाना है अब यहाँ से बॉम्ब शेल्टर पे, और फिर हम जाएंगे हार्बर पे, और फिर जाएंगे एयरपोर्ट पे, क्योंकि अभी जो हमें है ना एमओ चेस्ट चाहिए भाई ब्लू रूम में, क्योंकि ब्लू रूम में जो एमओ चेस्ट होगा ना उसमें से हमें फार्मेसी या फिर डुबल उजी मिलने वाली है, क्योंकि पर्पल रूम में अभी तक तो लूट स्पॉन नहीं हुई, यानी कि एमओ चेस्ट वगैरह नहीं आया। तो तब तक जो है ना हमें यही करना पड़ेगा कि भाई ब्लू रूम पर जोर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बॉट है आई थिंक, गन शॉट्स दे रहा था, पहले गन शॉट आया यानी कि उसका मार्क आया, लेकिन उसके बाद बाकी गन शॉट्स के मार्क नहीं आए, तो ये बॉट ही है। देन चलो भाई सबसे पहले हम चलते हैं और चल के देखते हैं कि भाई अगर मैं यहाँ से Level 2 का मास्क मिल जाए। अरे भाई एमओ चेस्ट मिल गया है, तो चलो भाई जल्दी से चेक करते हैं एमओ चेस्ट में से। अरे यार डबल बैरल शॉटगन मिल गई, जो कि हमारे किसी काम की भी नहीं है। तो चलो भाई अभी जो मास्क उठाते हैं, मास्क नहीं है यहाँ पर भाई, बाकी सप्लाईज वगैरह पड़ी हुई हैं, देखो एमओ चेस्ट भी पड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर मास्क नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि भाई कोई बंदा यहाँ से उठा कर गया है, या फिर उसके उठाने के बाद ये सप्लाईज जो हैं वो दोबारा स्पॉन हो गई हैं, तो ऐसा ही कुछ चांस हो सकता है। तो चलो भाई रूम चेक करते हैं कि रूम में लूट है या नहीं है। अगर तो उस बंदे ने आधे घंटे से पहले रूम किया हुआ होगा, तो दोबारा से सप्लाईज जो हैं वो आ गई होंगी रूम में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई इसको रूम किए हुए आधा घंटा हुआ है। अरे देखो भाई अभी तकरीबन 10 मिनट या 15 मिनट हुए हैं रूम को किए हुए, क्योंकि छोटी सप्लाईज जो हैं वो स्पॉन हो गई हैं, लेकिन एमओ चेस्ट अभी स्पॉन नहीं हुआ। लेकिन हमें जो है भाई एमओ चेस्ट चाहिए, क्योंकि एमओ चेस्ट में से ही हमें चांस है कि फार्मस या फिर डुअल उजी हमें मिल सकती है। तो उसके बाद भाई पहुंच जाता हूं मैं हार्बर पे, और हार्बर पे एक है पर्पल रूम और एक है ब्लू, तो हमें ब्लू वाला रूम ओपन करना है, यानी कि चेक करना है कि ब्लू वाले रूम में अगर एमओ चेस्ट होगा तो उसे ओपन करना है, क्योंकि भाई हमें जो है ना अब गन चाहिए, क्योंकि इजी पहले ही किसी बंदे ने किल कर लिया है, और वो बंदा बैटल पे सेल कर रहा है, देखो 40 टिकट की सेल कर रहा है वो भाई इजी की लूट, यानी कि शर्ट्स और ऑयल रिफाइनरी
डुअलुजी, और उसके बाद एक दो चीज़ें और वो बता रहा था, कह रहा था कि भाई 40 टिकट मैं सेल कर रहा हूँ। तो मेरा एक टीममेट था, वो कहता कि भाई मैं ट्राई करता हूँ कि अगर इससे मेरी डील बन जाए तो। लेकिन मैंने सोचा भाई इस बंदे ने इतनी जल्दी लेवल 5 कैसे कर लिया। देखो अभी जो है वो तकरीबन 1.5 घंटा हुआ है सर्वर को स्टार्ट हुए, और उसने इजी किल कर लिया और लेवल 5 भी कर लिया होगा। भाई इतना तेज़ बंदा तो ख़तरनाक हो सकता है। तो मैंने कहा भाई देख लो तुम, अगर वो बंदा मानता है तो तुम मुझसे जो है ना वो बाय कर लो, ताकि वो लीव करके चला जाएगा। तो अभी जो है वो हम पहुंच गए भाई एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट पे ग्रीन रूम चेक करेंगे हम, क्योंकि ग्रीन रूम में से ही हमें लूट जो है वो मिल सकती है, पर्पल रूम में से तो नहीं मिलेगी। भाई बॉट अंदर घूम रहा है, और आई थिंक कि बॉट ने जो है ना वो सप्लाईज तोड़ रखी हैं, और हो सकता है कि भाई एमओ चेस्ट भी स्पॉन हुआ हो और इस बॉट ने ब्रेक कर दिया हो। तो चलो भाई ट्राई करते हैं कि शायद हमारी किस्मत अच्छी हो और भाई एमओ चेस्ट की लूट हमें मिल जाए, और हो सकता है कि भाई एमओ चेस्ट में से हमें फार्मेसी या फिर डुअलूजी मिल जाए, क्योंकि बाई चांस ना मिल जाती होती है ग्रीन रूम में से भी। लेकिन भाई एमओ चेस्ट की लूट नहीं पड़ी यहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ जो लूट पड़ी हुई है वो दूसरे बॉक्सेस की है, यानी कि एमओ चेस्ट अभी तक स्पॉन नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, साइनो भी हमारे पीछे पीछे ही आ रहा है और वो चेक कर लेगा अगर यहाँ पर एमओ चेस्ट स्पॉन हुआ तो। चलो भाई आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में कल के। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।